हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग एनसीईआरटी में बात कर रहे हैं और एनसीईआरटी के कक्षा 12 की पुस्तक जो भारतीय इतिहास की है, जिसमें भाग एक, भाग दो, भाग दो, भाग तीन करके है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और प्राचीन भारत देखेंगे कि कम्प्लीट हो चुका है और भाग दो पर बात कर रहे हैं, यानी कि मध्यकालीन भारत पर, तो जिसमें आप देखेंगे कि यात्रा वृत्तांत हो गया यात्रियों का, और फिर उसके बाद भक्ति आंदोलन हो गया है, और वहाँ पर हम लोग विजयनगर साम्राज्य भी पढ़ लिए हैं और विधिवत तरीके से हम लोग पढ़े हैं। और अब हम लोग बात कर रहे हैं किसान, जमींदार और राज्य, कृषि साम्राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य पर, ठीक है, लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं कि एनसीईआरटी को, कि एनसीईआरटी जो है एक बेसिक नॉलेज आप लोगों को क्लियर कर देगी। और एनसीईआरटी को हम उठाए हैं पाषाण काल से लेकर अभी मध्यकालीन भारत तक हम लोग कंप्लीट हो चुका है। ये आपका सेकेंड लास्ट अध्याय होना चाहिए, इसके बाद आखिरी अध्याय, फिर उसके बाद हम लोग मध्यकालीन आधुनिक भारत पर चले पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पूरे एकदम प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक एनसीईआरटी को एकदम विधिवत तरीके से पढ़ रहे हैं। तो कल के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, इस अध्याय के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की कि शासक वर्ग किस प्रकार से शासन किए हैं और समाज में किस प्रकार का निर्माण हुआ है, तो वो सारी बातें हम लोगों ने कर लिया है। तो शासकों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, यानी कि अब हम लोगों को उनके बारे में पढ़ना है कि समाज में किस प्रकार से कार्य किए जा रहे थे, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को पुस्तक दिखा देते हैं कि कौन सी पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं और कौन सी पुस्तक का अध्ययन हम लोग, कौन सा अध्याय हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 12 की पुस्तक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, और यह अध्याय हम लोग को पढ़ना है किसान, जमींदार और राज्य, ठीक है। तो आज हम लोगों की जो पहली हेडिंग होगी, या देखेंगे कि किसान और कृषि उत्पादन पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम आप लोगों को हेडिंग बता देते हैं कि कौन कौन सी पढ़नी है, आप लोग हेडिंग लिखे रहेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते रहें और समझते रहें, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एनसीईआरटी आप देखेंगे कि एनसीईआरटी जो है आप लोगों को बेसिक नॉलेज एकदम क्लियर कर देगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कृषि और किसान और कृषि उत्पादन। एनसीईआरटी को हम छोटे छोटे खंडों में लेकर चल रहे हैं, जिसे पढ़ने में और आसानी हो जाए, ठीक है। तो एक बार हम लोग रिविज़न इसको आगे कर चलकर करेंगे। आप लोग हमेशा एकदम बने रहें, चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। तो किसान और कृषि उत्पादन हो गया, और फिर इसके बाद जो सब हेडिंग है इसके में हम देखेंगे स्रोतों की तलाश, स्रोतों की तलाश, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद किसान और उनकी ज़मीन, किसान और उनकी ज़मीन, ठीक है। और फिर इसके बाद एक हेडिंग है हम लोगों का सिंचाई और तकनीक, सिंचाई और तकनीक, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हम लोगों को देखना है फसलों की भरमार, फसलों की भरमार, ठीक है। तो इन सारे हेडिंगों के मदद से हम लोग किसान और कृषि उत्पादन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमने आप लोगों को पिछले कक्षा में बताया कि किस प्रकार से समाज का निर्माण हुआ है, किसान कैसे हैं, वहाँ पर किस प्रकार से कृषि उत्पादन के कार्य किए जा रहे हैं। तो प्राचीन काल में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से फसलों को उगाई हो रही है, किस प्रकार से पशुपालन और किसान है, किस प्रकार से शासक वर्ग हैं, और उन पर कौन नियंत्रण कर रहा है, कौन करों की उगाही कर रहा है, राजस्व ले रहा है, कौन टैक्स ले रहा है, और कौन टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें हम लोगों ने बहुत सारी की हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किसान और कृषि उत्पादन के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग इस जो हेडिंग्स है इसका प्रारंभ करने से पहले आपको बता देते हैं कि जो किसान वर्ग है वो खेती करने के कार्य करते हैं, ठीक है। ये इस चित्र को आप लोग देखिए कि एक खेत का चित्र बनाया गया है,
दर्शाया गया कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग हैं, किसान हैं, खेती कर रहे हैं, वहाँ पर मेड़ी बना रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, किस प्रकार से यहाँ पर तालाब भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ आज हम लोग मध्यकालीन भारत में बात करेंगे, तो वहाँ पर जो किसान वर्ग है, आप देखिए कि वो कृषि के उत्पादन में लगे हुए हैं, और जो कृषि योग्य भूमि है उनको किस प्रकार से निर्माण किया जा रहा है, किस प्रकार को बनाया जा रहा है। कुछ सरकारी भूमि है, कुछ भूमि जो है आपके स्वामित्व वाली है, किस कोई जो किसान जिसके पास भूमि है वो अपनी खुद की भूमि है। तो इस प्रकार से जो खेतियों की जा रही हैं, वहाँ पर खेतों का निर्माण किया गया है। तो देखिए, खेतिहर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी जिसमें किसान रहते थे। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वो तमाम काम करते थे जिससे फसल की पैदावार होती थी, जैसे कि ज़मीन की जुताई, बीज बोना और फसल पकाने, उसकी कटाई। इसके अलावा उन वस्तुओं के उत्पादन में खर्चरिक होते थे जो कृषि आधारित थी, जैसे शक्कर, तेल इत्यादि, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब बताया जा रहा है कि किसान जो है किस प्रकार से कार्य करते थे और वो खेत किस प्रकार से रहे होंगे। अब स्रोतों की तलाश के बारे में अगर हम बात करें, तो स्रोतों की तलाश में यही बात किया जा रहा है कि जो किसानी पद्धति है, ठीक है, उसका पता विद्वानों को कैसे लगा, ठीक है। किसानों ने किस प्रकार से यंत्रों को उपयोग किया, सिंचाई के साधन किस प्रकार से उपयोग किए, और खेतों को जो निराई बुराई और कुड़ाई हो रही थी वो किस प्रकार से हो रही थी, उनके जो साक्ष्य हैं खेतों के वो किस प्रकार से विद्वानों को मिल रहे हैं, वो सारी बात इसमें किया गया है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में बात किया जा रहा है कि जो अबुल फजल की आईने अकबरी है, उससे बहुत सारी जानकारियाँ जो मिल रही हैं कि वहाँ पर जो खेतिहर हैं, जो भूमि है, वो सारी चीज़ें किस प्रकार से थी, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अकबर के शासनकाल में जो आईने अकबरी लिखी गई अपने अबू फजल के द्वारा, उस पुस्तक के माध्यम से हम लोगों को अकबर के शासन प्रशासन के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी मिलती है, और वही बात इसमें बताया जा रहा है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो यात्रियों के यात्रा वृत्तांत हैं, उसके माध्यम से हम लोगों को जो जानकारियाँ मिलती हैं कि यात्रियों के ने किस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किए, और यहाँ पर के जो लोग थे, खेतिहर थे, जो खेती मजदूरी कर रहे थे, उन लोगों ने जो साक्ष्य छोड़े, अभिलेखित साक्ष्य हो गए। फिर उसके बाद जो किसानों के द्वारा खेतों के हल जोते गए थे, हलों को देखने को जो मिल रहा था, जो उसके रेखा थी, उससे भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हम लोग स्रोतों की तलाश में देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर उस तरह से बातें की जाती हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर जो खेत के को बनाया गया था, जो किसान वर्ग थे, किसानों ने तो कुछ लिखा नहीं क्योंकि वो उनको लिखने पढ़ने नहीं आता था। तो वहाँ पर जो विद्वानों को जिस जो समझ में आया, हमने आपको पिछले कक्षा में बताया था कि अगर आप लोगों को कुछ दे दिया जाए, एक खंडहर दे दिया जाए, तो आप एक अनुमान लगाएंगे कि वहाँ पर किस प्रकार से महल बनाया गया होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से वहाँ पर विद्वानों ने भी देखा कि उनको जो छोटे छोटे साक्ष्य मिलते जाते थे, उन लोगों ने उससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा अनुमान लगाया, ठीक है। तो उस तरह के जो साक्ष्य मिले गए, उसकी बात हम लोग स्रोतों की तलाश में करते हैं, ठीक है। और इसमें एक महत्वपूर्ण पुस्तक है आईने अकबरी, जो अबू फजल की किताब है, वो अकबर के शासन प्रशासन के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी देती है, ठीक है। तो इसमें स्रोतों की तलाश में इस तरह से बातें होती हैं। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसान और उनकी ज़मीन, इसको थोड़ा हम आपको पढ़कर बताएंगे कि किस प्रकार से कितने एकड़ ज़मीन को किसान को क्या बोला जाता था, और भूमि किस प्रकार से होती थी, ठीक है। तो किसान और उनकी ज़मीन जो है, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत बहुवचन रियाया या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ज़मीनों के लिए यानी कि किसानों के लिए किस प्रकार का शब्द का प्रयोग किया गया है, रैयत। और देखेंगे कि आधुनिक भारत में रैयत व्यवस्था, रैयत वाड़ी जो व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो रैयत जो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रियाया, ठीक है, या मुजरियान, ठीक है, तो शब्द का इस्तेमाल करते थे किसानों के लिए, ठीक है, तो करते थे। साथ ही हमें किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। तो यहाँ पर आसामी के बारे में प्रश्न पूछा गया है, आसामी किसको बोला गया है, तो आसामी जो है किसानों को बोला गया है। किसानों के लिए मध्यकालीन भारत में शब्द का प्रयोग किया गया है आसामी, ठीक है। तो जैसे शब्द मिलते हैं 17वीं सदी के स्रोत, यहाँ देखिए 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म की किताबों
दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुदा खुद कास्त या पही कास्त। ठीक है, तो खुद कास्त या पही कास्त क्या होते हैं? खुद कास्त वे किसान होते हैं जो खुद की ज़मीन पर कार्य करते हैं, खेती करते हैं, उनको खुद कास्त बोला जाता है। और पही कास्त क्या होते हैं कि जो अन्यत्र जाकर अपने खुद की ज़मीन पर भूमि, किसान उनकी ज़मीन नहीं है, वो कहीं अन्य जगहों पर जाकर वहाँ पर एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, कृषि का कार्य कर रहे हैं, तो उनको पाही कास्त किया जाता, कहा जाता था। और पाही कास्त कई प्रकार के होते थे, जैसे कि आक्रमण हुआ, वहाँ पर बंदी बना कर ले गए, वहाँ पर उनको कार्य कराया गया, वो भी पाही कास्त के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, या कुछ मजबूरी के दौरान वो कर रहे हैं, या अकाल पड़ गया, भूखमरी पड़ गई, उसके आधार पर वो लोग कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी पाही कास्त बोला जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि गाँवों में रहते थे खुद कास्त व पाही कास्त पहले किस्म के किसान, जो पहले किस्म यानी कि खुद कास्त के किसान वे होते थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनको उनकी ज़मीन थी। ठीक है, तो जिनमें वही हमने आपको बताया कि जिसकी खुद की ज़मीन पर खेती करते हैं उन्हें खुद कास्त, पाही कास्त। पाही कास्त वे खेतिहर थे जो दूसरे गाँवों में से ठेके पर खेती करने आते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने वही आपको बताया कि ठेके करते थे, मजबूरी में करते थे, अकाल भुखमरी में करते थे, या दास बनाकर किए जाते थे, उनको पाही कास्त कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से किसानों के वर्ग देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद देखिए कि उत्तर भारत में के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और दो हल से ज़्यादा कुछ होता था। ठीक है, तो ज़्यादातर के पास इससे भी कम गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब ज़मीन थी वे समृद्ध माने जाते थे। गुजरात की बात किया जा रहा है, यहाँ पर देखिए कि गुजरात की बात किया जा रहा है कि गुजरात में जिस किसान के पास 6 एकड़ की ज़मीन है उसको समृद्ध किसान माना जाता था। और दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत किसान, ये बंगाल की बात किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल की, बंगाल में एक औसत किसान की ज़मीन के ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। 10 एकड़ ज़मीन वाले आसाम में, यानी कि 10 एकड़ ज़मीन वाले किसान को अमीर समझा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कि गुजरात में किस प्रकार के किसानों का किसानों को बनाया गया है, और पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से किसानों को, वहाँ पर बंगाल ही होता था, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल तो बाद में बना। ठीक है, तो बंगाल में किस प्रकार से किसानों को बनाया गया था, तो कितनी ज़मीन किसके पास होगी तो उसको उस प्रकार से किसान बनाए जाएंगे, तो गुजरात में अलग हैं और बंगाल में अलग है। तो हम लोग आप लोगों के लिए एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट हो जाता है और इस तरह का स्टेटमेंट देकर आप लोगों से डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं। तो गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब ज़मीन थी उनको समृद्ध किसान माना जाता था, और दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत किसान की ज़मीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। ठीक है, तो एक औसत किसान की जो ऊपरी सीमा है ज़मीन की 5 एकड़ थी बंगाल में, और 10 एकड़ ज़मीन की ज़मीन वाले असामी यानी कि किसान को अमीर समझा जाता था। ठीक है, खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी, किसानों की ज़मीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों की। ठीक है, 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों को मिल्कियत यह एक विवरण 17वीं सदी पर भी उतना ही लागू होता था। तो 19वीं सदी के जो दिल्ली और आगरा के किसान थे और उनको उनकी जो मिल्कियत थी यानी कि जो उनकी अधिकारिता क्षेत्र था वो 17वीं शताब्दी तक भी लागू होते थे, यानी कि 17वीं शताब्दी के जो मिल्कियत है वो आपको 19वीं शताब्दी में देखने को मिलती है। जैसे कि हल जोतने वाले खेतिहर किसान हर ज़मीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों के पहचान के लिए निशान लगाते हैं, और ज़मीन के ऐसे हज़ारों टुकड़े किसी भी गाँव में देखे जा सकते हैं, यानी कि अपने खेतों को पहचानने के लिए वहाँ पर आप देखेंगे कि खूंटी लगाए जाते थे, मिट्टी के और ईंटों के, पत्थरों के वहाँ पर स्तंभ लगाए जाते थे छोटे छोटे, जिससे पता चल जाता था कि यह किसका खेत है। और इस तरह से हम लोगों ने पिछले की कक्षा में बात किया है कि वहाँ पर आप देखेंगे कि साम्राज्य के निर्माण के लिए किस प्रकार से वहाँ पर किस चीज़ का सीमाओं का निर्धारण करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से एक बॉक्स दिया गया है कि यह हिंदुस्तानी कृषि समाज की एक खासियत थी, और इस खासियत ने मुगल शासक बाबर की तेज निगाहों को इतना चौंकाया कि उसने अपने इसे संस्मरण बाबरनामा में नोट किया। तो बाबरनामा से यह उद्घृत किया गया है यह लेख कि हिंदुस्तान में बस्तियाँ और गाँव, दरअसल शहर एक लम्हे में ही वीरान भी हो जाते हैं और बस भी जाते हैं। वर्षों से आबादी
किसी बड़े शहर के बाशिंदे उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो वे ये काम कुछ इस तरह से करते हैं कि 1.5 दिनों के अंदर उनका हर नामो निशान वहाँ से मिट जाता है। दूसरी ओर अगर वे किसी जगह पर बसना चाहते हैं तो उन्हें पानी के रास्ते खोदने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी सारी फसलें बारिश के पानी में उगती हैं। और चूंकि हिंदुस्तान की आबादी बेशुमार है, लोग उमड़ते चले आते हैं, वे एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं, उन्हें घर बनाना या दीवार खड़ी करने की भी ज़रूरत नहीं होती। खस की घास, खस मतलब घास होता है, घास फूस, खस की घास बहुतायत में पाई जाती है, जंगल अपार है, झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं और याकायाक एक गांव या शहर खड़ा हो जाता है। देखिए कि बाबरनामा में बाबर ने किस प्रकार से वहाँ पर वर्णन किया है, क्योंकि भारत की जो जलवायु है देखेंगे कि मानसूनी है, ठीक है। हमने प्राचीन काल में ही आप लोगों को बताया था कि साम्राज्य का निर्माण, गांवों का निर्माण, समाज का निर्माण किस प्रकार से होता है, क्योंकि एक साम्राज्य से लोग उब कर कहीं और चले जाते हैं, वहाँ के जंगलों को काटते हैं, फिर वहाँ पर अपना संसाधन उपलब्ध कराते हैं, तो वहाँ पर वो लोग बस जाते हैं, तो जंगलों को साफ कर बस जाते हैं, तो वहाँ पर एक समाज का निर्माण हो गया। तो जब वो समाज का निर्माण हुआ तो वहाँ पर देखेंगे कि जब समाज के लोग हो गए, तो जब समाज के लोग हो गए तो उनको नियंत्रण करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो वो लोग अपने अंदर एक लीडर को बनाते हैं, एक मुखिया को बनाते हैं, और मुखिया जो है वहाँ पर उस समाज का निर्माण वहाँ पर नियंत्रण करता था, ठीक है। तो धीरे धीरे वो मुखिया जो है अलग अन्य समाजों को भी जोड़ने का प्रयास करता है और जीतने का प्रयास करता है और अपने समाज को समृद्ध करने का प्रयास करता है, तो धीरे धीरे वो एक साम्राज्य में परिणत हो जाता था, ठीक है। तो उस तरह से भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है कि बाबर जब आया भारत में तो वो आया था, देखिए कि अरब कंट्रियों में जंगल उंगल तो है नहीं, ठीक है, वहाँ पर रेतीली भूमि है, ठीक है। वहाँ से आया था, वहाँ पर आकर जब यहाँ देखा तो यहाँ देखा कि पूरा चारों तरफ जंगल है, पेड़ है, झाड़ियाँ हैं, घास फूस हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखता है और यहाँ पर देखता है कि जो लोग हैं इनको साफ करके बस भी जाते हैं और कहीं अन्य जाकर वहाँ पर कृषि भी करने लगते हैं, यानी कि एकाएक एक वहाँ पर बस जाएंगे और एकाएक वहाँ से छोड़कर चले जाएंगे, तो कुछ ही दिनों में वो वीरान हो जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार के वर्णन जो है बाबर करता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता था इस तरह की चीज़ें देखकर, ठीक है। तो उसी को स्थानांतरित किसी कहा जाता है, जो भारत में अभी भी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से बाबर के विवरण को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि बाबर किस प्रकार से कार्य करता है। तो यहाँ पर सिंचाई और तकनीक की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि पहले इस पैराग्राफ को बता देते हैं पढ़कर, ठीक है। पहले हम आपको बॉक्स बता देते हैं कि बॉक्सों में किस प्रकार की चीज़ें हैं और सिंचाई और तकनीक के बारे में आपको कुछ बताते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में किस प्रकार से सिंचाई के साधन का प्रयोग किया गया है। अब विजयनगर साम्राज्य में देखिए कि नहरों का निर्माण किया गया है, हर एक चीज़ के नालियों का निर्माण किया गया है, वहाँ पर तालाबों का निर्माण किया गया है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया गया कि खेतों की सिंचाई किया जाए। वहाँ पर नदियों का नदी से जो पानी लाने के कार्य किए गए थे वो किस प्रकार से थे, ठीक है। तो वहीं पर देखिए कि वो मध्यकालीन भारत की बात की जा रही है, तो हम लोग यहाँ पर मध्यकाल में भी उस प्रकार के 16वीं 17वीं शताब्दी जो सिंचाई के साधन उसी प्रकार से भी तो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि यह बाबरनामा से लिया गया एक अंश है जो सिंचाई के उन उपकरणों के बारे में बताता है जो इस बादशाह ने उत्तर भारत में देखे। तो उत्तर भारत में बाबर ने जिस प्रकार से देखा उसके बारे में देखिए कि हिंदुस्तान के मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा मैदानी ज़मीन पर बसा हुआ है, हालांकि यहाँ शहर और खेती लायक ज़मीन की बहुतायत है, लेकिन कहीं भी बहते पानी का इंतजाम नहीं है। वे इसलिए कि फसल उगाने या बागानों के लिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शरद ऋतु की फसलें बारिश की पानी से ही पैदा हो जाती हैं, और ये हैरानगी की बात है कि बसंत ऋतु की फसलें तो तब भी पैदा हो जाती है जब बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, फिर भी छोटे पेड़ों को तक बाल्टियों या रहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। लाहौर दीपालपुर दोनों ही आज के पाकिस्तान में, लाहौर और दीपालपुर और ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रहट के जरिए सिंचाई करते हैं। वे रस्सी के दो गोलाकार फंदे बनाते हैं जो कुएँ की गहराई के मुताबिक लंबे होते हैं। इन फंदों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक लकड़ी के गुटके लगाते हैं और इन गुटकों पर घड़े बांध देते हैं। लकड़ी के गुटकों और घड़ों से बधी इन रस्सियों को कुएं के ऊपरी पहियों से लटकाया जाता है। पहिए की धुरी पर एक और पहिया, इस अंतिम पहिए को बैल के जरिए घुमाया जाता है। इस पहिए के दांत
पास के दूसरे पहिए के दांतों को जकड़ लेते हैं और इस तरह से घड़ों वाला पहिया घूमने लगता है। घड़ों से जहाँ पानी गिरता है वहाँ एक संकरा नाला खोद दिया जाता है और इस तरीके से हर जगह पानी पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि बाबर एकदम बाबर अपने बाबर नामा में किस प्रकार से रहट जो सिंचाई का साधन उपकरण था उसका विवरण दे रहा है। ठीक है, आगरा चांदवर और बयाना आज के उत्तर प्रदेश में है। आगरा चांदवर और बयाना में और ऐसे अन्य इलाकों में भी लोग बाग बल्टियों से सिंचाई करते हैं। कुएं के किनारे पर वे लकड़ी के कन्ने गाड़ देते हैं। इन कन्नों के बीच बेलन टिकाते हैं, एक बड़ी बाल्टी में रस्सी बांधते हैं, रस्सी को बेलन पर लपेटते हैं और इसके दूसरे छोर को बैल से बांध देते हैं। एक शख्स को बैल हाँकना पड़ता है, दूसरा बाल्टी से पानी निकालता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कि यह चित्र देखिए कि ये रहट की संरचना है, ये किस प्रकार से ये रहट की संरचना बनाई गई है। ये सोचने वाली बात है कि मध्यकालीन भारत में भी सिंचाई के उपकरण बनाए गए हैं, सिंचाई के साधन बनाए गए हैं और बाबर ने बाबरनामा में इस प्रकार से रचना किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझने के लिए और सिंचाई के तकनीक जो हैं वो देखिए कि किस प्रकार से मध्यकालीन भारत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि ज़मीन के बहुतायत मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। चूँकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था, इसलिए रोज़मर्रा के खाने की जरूरतें जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। इन इलाकों में प्रतिवर्ष 40 इंच या उससे ज़्यादा बारिश होती थी। वहाँ कमोबेश चावल की खेती होती थी। कमतर बारिश वाले इलाकों में क्रमशः गेहूँ और ज्वार बाजरे की खेती की जाती थी। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था, जैसा कि आज भी है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की जरूरत होती थी। इनके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय बनाने पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कि सिंचाई के साधन किस प्रकार से बनाए जाते थे, तो खेती किस प्रकार से की जाती थी। ठीक है, देखिए सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। मसलन उत्तर भारत में राज्य ने कई नहरें और नाले खुदवाए और कई पुरानी नहरों का निर्माण किया, जैसा शाहजहाँ के शासनकाल में के दौरान पंजाब में शाह नहर। ठीक है, तो पंजाब में शाह नहर का जो मरम्मत कराई गई थी शाहजहाँ के शासनकाल में कराई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि सिंचाई के साधन का सिंचाई के लिए मध्यकालीन भारत में किस किस प्रकार के उपकरणों का, किस किस प्रकार के वहाँ पर चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए, फिर इसके बाद वहाँ पर अगर सिंचाई कर रहे हैं, खेतों में सिंचाई करने की बात की जा रही है, तो वहाँ पे देखिए खेतों को सिंचाई करने के लिए खेतों में अभी वर्तमान समय में देखेंगे कि मेढ़े बनाई जाती हैं। वहाँ पर मेढ़े बनाए जाते हैं, थोड़ी थोड़ी जगहों पर मेढ़े बनाए जाते हैं, नालियों की तरह उसमें गड्ढे रहता है। तो उस प्रकार की चीज़ें भी मध्यकालीन भारत में देखने को मिलती हैं और उनको बनाने के लिए किस शस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है, किस उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, ये भी आप देखेंगे कि उसके बारे में भी विस्तार से वर्णन किया गया है आईने अकबरी में। हम लोगों ने बहुत विस्तार से बात करेंगे इस अध्याय में और अगले अध्याय में भी उसके बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर हलों का प्रयोग किया जा रहा है, फिर उसके बाद बैलों का प्रयोग भी किया जा रहा है, बैलों से जो हल जोता जा रहा है उसके भी बारे में प्रयोग किया जा रहा है। ये देखिए तंबाकू के प्रसार किस प्रकार से हो रहा है कि यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुँचा और वहाँ से 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया। आइन उत्तर भारत के फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती है। आइन अकबरी में तंबाकू का जिक्र नहीं किया गया है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा। ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू का धूम्रपान हुक्के या चीलम में करने की लत ने जोर पकड़ा। जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पर आप लोगों को फैक्ट भी मिलते जा रहे हैं कि तंबाकू का प्रसार कैसे हुआ, अकबर ने तंबाकू देखा 1604 ईस्वी में और वहाँ पर तंबाकू का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा था और जहांगीर ने वहाँ पर तंबाकू के फैलते प्रसार को, समाज में नशे की लत को फैलते को वहाँ पर तंबाकू पर बैन भी लगा दिया था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से तंबाकू का उपयोग किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए फैक्ट के रूप में, उसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पाबंदी लगा दी। यह पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई क्योंकि
हम जानते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती व्यापार उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक था। ठीक है, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जहांगीर ने भी, राजा ने भी, शासक वर्गों ने भी इस पर देखेंगे कि पाबंदी लगा नहीं पाई थी। ठीक है, तो और वर्तमान समय में देखेंगे कि जिन राज्यों में जो दारू बंद की गई है, जैसे बिहार हो गया, गुजरात राज्य हो गया, तो यहाँ पर दारू की सप्लाई बंद है, तो यहाँ पर शराब की सप्लाई बंद है, लेकिन वहाँ पर शराब लोग पीते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए, सोचने वाली बात है कि सरकार भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाती है, कि नशा को रोक नहीं पाई। तो वही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जहांगीर भी यहाँ पर, शासक वर्ग राजा भी यहाँ पर असफल साबित हुआ था। ठीक है, यहाँ पर फसलों की भरमार हम लोगों को पढ़ कर सुनाएंगे कि देखिए किस किस फसल की यहाँ पर भरमार हुई थी। ठीक है, तो देखिए कि मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी, एक खरीफ पतझड़ में, दूसरी रवि वसंत में। यानी सूखे इलाकों और बंजर ज़मीनों को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पर साल में कम से कम दो फसलें होती थी, जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहाँ तो साल में तीन फसलें भी उगाई जाती थी। इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के तौर पर आइन हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि मौसम दोनों पैदावार, यानी कि खरीफ की फसल में जो पतझड़ में उगाए जाते हैं और रबी की फसल में बसंत में, ठीक है, तो दोनों फसलों को मिलाकर अकेले आगरा में 39 किस्म की फसलों को उगाया जाता है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टेटमेंट, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए, इसको समझिए। फिर उसके बाद देखिए कि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती थी। ठीक है, आगरा में 39 है, दिल्ली में 43 फसल है। ठीक है, और बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा की जाती हैं। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है कि इतनी सारी, इतने बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, देखिए कि हालांकि दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए की जाती थी। स्रोतों से में हमें अक्सर जीन से कामिल यानी कि सर्वोत्तम फसलें, जीन से कामिल जो शब्द का प्रयोग किया गया है, जो सर्वोत्कृष्ट फसलें हैं उनके लिए प्रयोग किया गया है, जैसे लफ्ज मिलते हैं। मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था, जैसे कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिन से कामिल थीं। ठीक है, कपास और गन्ने जो फसल, गन्ना की जो फसल होती थी, ईख की फसल होती थी, वो जिन से कामिल फसलों में बेहतरीन किस्म की आती थी, यानी कि वो जो सर्वोत्तम फसल के रूप में आती थी। क्यों? क्योंकि उनसे जो राजस्व है ज़्यादा मिलता था। ठीक है, कर ज़्यादा मिलता था, मशहूर था। तिलहन जैसे सरसों और दलहन भी नकदी फसलों में आती थी। इससे पता चलता है कि एक औसत किसान की जमीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँची। ठीक है, 17वीं सदी में दुनिया के अन्य जगहों से भारतीय उपमहाद्वीप में फसलें पहुंची कौन कौन सी थी? मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया। 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसल में होने लगी। ठीक है, तो मक्का के जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो स्पेन और अफ्रीका देशों से आया है भारत में, तो वहाँ पर मक्का जो है 17वीं शताब्दी में एक मुख्य फसल के रूप में भारत की हो गई थी। टमाटर हो गए, आलू हो गए, मिर्च हो गए, मिर्च जैसी सब्जियाँ नई दुनिया से लाई गई। इस तरह अनानास और पपीता जैसे फसल वहीं से आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि कितने प्रकार के फसल जो हैं वो अन्य दुनियाओं से आए हैं वहाँ पर, और अफ्रीका के देश से आए हैं, स्पेन से आए हैं, और फिर उसके बाद देखिए कि किस प्रकार से वहाँ पर लोग, अगर फसल आ रही हैं वहाँ से तो वहाँ के लोग लेकर आ रहे हैं तभी तो आ रही हैं, यानी कि यहाँ के लोग वहाँ जाकर व्यापार कर रहे हैं तब आ रही है। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली बातें हैं कि हम लोग व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, पहले इस बॉक्स को पढ़ लीजिए, कृषि की समृद्धि और आबादी की बढ़ोतरी। कृषि उत्पादन के ऐसे विविध और लचीले तरीकों का एक बड़ा नतीजा यह निकला कि आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आर्थिक इतिहासकारों की गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाली भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ गई। ठीक है, सोचिए कि 100 साल के अंदर 5 करोड़ आबादी बढ़ी थी, 200 वर्षों में यह करीब 33% बढ़ोतरी थी। ठीक है,
तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि इतने बड़े पैमाने पर खेती जहाँ पर होगी, इतने बड़े पैमाने पर जहाँ पर राजस्व उगाने के बात की जाएगी और वहाँ पर फसलों का उत्पादन इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, कई तरहों के फसलों का उत्पादन किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी बढ़ेगी और व्यापार हो ही रहे हैं, व्यापार और संसाधन हो ही रहे हैं। तो देखेंगे कि जो लोग यहाँ से व्यापार करने जा रहे हैं कहीं पर, खुरासान गए, गजनी गए, अफगानिस्तान गए, गए वहाँ पर, यूरोप में गए, अफ्रीका में गए, तो वहाँ के लोग भी तो उनके साथ संपर्क के साथ रहे हैं, तो जब ये लोग वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ के भी लोग यहाँ पर आएंगे। ये जाहिर सी बात है कि ये फैक्ट कहता है कि आप व्यापार करने जा रहे हैं तो वहाँ के लोग व्यापार करने आप लेके यहाँ आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जब संपर्क साधा गया, वहाँ के लोग आए तो जनसंख्या बढ़ी, तो वहाँ पर देखिए कि जनसंख्या की वृद्धि होती है और वहाँ पर जो जनसंख्या बढ़ेगी वहाँ पर इस्लामों की भी जनसंख्या बढ़ेगी, इस्लामिक देशों की, हिंदुओं की भी तो बढ़ ही रही है और वहाँ पर दलितों, वहाँ पर शूद्रों की भी, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र की जनसंख्या बढ़ेगी, वो लोग तो सबसे ज़्यादा हैं। और यहाँ पर धीरे धीरे ईसाइयों की भी संख्या बढ़ रही है जो यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं व्यापार के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली बात है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कृषि और कृषि जो तकनीक है, उत्पादन है, उसके बारे में, किसान और कृषि उत्पादन के बारे में हम लोगों ने कितनी बढ़िया से विधियों से जानकारी इकट्ठा किया, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत में इसी तरह से हम लोग बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे और ये सोचने वाली बात है, आप सोचिए और देखिए कि किस प्रकार से वहाँ पर कौन कौन से साधन हो रहे थे। और ये जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह से खेती हो रही है और वहाँ पर राजस्व की वसूली किया जा रहा है, और अभी हमने बताया आपको कि वहाँ पर जो जिस फसल से राजस्व, सर्वोत्तम फसल जिसको जिन से कामिल फसल बोला गया, सर्वोत्तम फसल बोला गया था, उनसे राजस्व ज़्यादा मिला है और उसको राज्य जो राज्य के शासक वर्ग है उसको फसल को उगाने के लिए, उत्पादन के लिए बढ़ावा भी दे रहे हैं, तो कालांतर में उसे ज़बरदस्ती भी उगाने की बात की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि जब किसानों के बिना मन मुताबिक कोई फसल उत्पाद दबार बनाकर वहाँ पर किसानों से उत्पादन कराया जाएगा किसी फसल का, तो वहाँ पर उसमें असंतोष तो फायदा हो, असंतोष तो पैदा होगा ही, असंतोष पैदा होगा, तो असंतोष जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो वहाँ पर विरोध होंगे और विद्रोह भी देखने को मिलेंगे। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग नोट डाउन करते रहें, समझते रहें और किस प्रकार से देखिए कि कृषि के कार्य हो रहे हैं, किस प्रकार से उत्पादन हो रहा है और वहाँ पर वो सारी चीज़ें कि देखिए कि कितने किस्म की फसलों का भी उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें समझने वाली बातें हैं और इसको समझिए और यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर किसान हैं, किसानों के ज़मीनें किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से किसानों का नामकरण किया गया है और कितने ज़मीनों के साथ किसानों को नाम को जोड़ा गया है, तो इस प्रकार से कार्य होंगे, ठीक है। तो यहीं पर मैं अपने इस तरह जो बातें कर रहे हैं हम लोग वाड़ी को विराम देता हूँ और मिलता हूँ अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, एनसीईआरटी आप लोगों को बेसिक नॉलेज जो है एकदम क्लियर कर देगी। और यहाँ पर हम लोग मध्यकालीन भारत विधिवत तरीके से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और भारतीय इतिहास को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से करेंगे। तो यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से शानदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।